नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बिरला डी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। आजमगढ़ के शिक्षा क्षेत्र पलहनी के सिधारी थाना क्षेत्र के कटघर सदर में स्थित कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक आफताब पर स्कूल के बच्चों ने लैंगिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में बच्चों के अभिभावकों ने सिधारी थाने में तहरीर देते हुए विद्यालय प्रधानाध्यापक सिधारी निवासी आफताब पर आरोप लगाया है कि वह स्कूल के बच्चों के साथ गंदी हरकत कर रहा है। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि 1 अक्टूबर को शासन के निर्देश पर स्वच्छता अभियान को लेकर विद्यालय खुला हुआ था। जब उनके बच्चे स्कूल गए तो आफताब ने उनके साथ गंदी हरकत की। शिक्षक के कृत्य को बच्चों ने अपने अभिभावकों को बताया। इसके बाद बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे तो प्रधानाध्यापक आफताब अभिभावकों पर भड़क उठा और गालियां देते हुए उन्हें देख लेने की धमकी देने लगा। स्कूल में काफी देर तक हंगामा होता रहा। इसके बाद अभिभावक सिधारी थाने पहुंचे और प्रधानाध्यापक आफताब के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग किए। इस दौरान अभिभावकों ने और बच्चों ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व भी यही शिक्षक इस तरह का कृत्य पहले भी कर चुका है, लेकिन माफी मांगने के बाद उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सिधारी थाने पर बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे और उनके अभिभावक पहुंचे थे। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, स्कूल के बच्चों और पूर्व छात्रों ने आरोप लगाया कि आरोपी शिक्षक आफताब बच्चों के साथ काफी समय से लैंगिक शोषण कर रहा था। सभी ने शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग किया। बच्चों द्वारा बताया गया कि हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया। गार्जियन, उनके जाने गार्जियन हमको बताए। हम लोग स्कूल पे पहुंचे तो हम एसओ साहब को बताए, डीएसओ साहब को बताए। क्या हरकत करता था प्रधान जी? बच्चे बता रहे थे कि लिंक सुंगरवाता था। काफी बच्चों के साथ किया ऐसा? हाँ ऐसा है। अच्छा, बच्चों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 10 साल पहले भी वो इस तरह की हरकतें कर चुका है तो बाद में समझौता हो गया था, तो हाँ सही है। कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो उस समय नहीं कोई समझ पाया कि सही गलत का निदान नहीं हो पाया, स्पष्ट नहीं हो पाया। हम लोग कहे कि जाने दीजिए, बच्चे हैं, आप जो ऐसा किए होंगे तो सुधर जाएं, लेकिन इनकी हरकत उससे भी खराब निकली। तो आज आपके द्वारा गांव की तरफ से तहरीर दी गई है? हाँ दी गई है। पुलिस गिरफ्तार की उनको? हाँ गिरफ्तार किया, उनको हथकड़ी लगा के बैठाई गए, पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई होगी। पढ़े हैं? हाँ पढ़े। क्या नाम है विद्यालय का? कंपोजिट विद्यालय कटघर सदर जिला आजमगढ़। क्या घटना घटी थी जब आप पढ़ते थे उस समय? उनका मन बदल जाता था। वो बुक के बारे में कहते थे, साहिल उधर चलो, बुक निकालना है तो कहते थे, कान पकड़ के कहते थे थोड़ा सा ये कर लो। तो हम कहें सर ये सब गलत बात है, तो कह रहे थे नहीं करो सर, हमको एक पर मार रहे थे डंडे से, कह रहे थे नहीं नहीं। तो हम कहें सर ये करेंगे तो कराए करो। घर पे नहीं आप लोग बताते थे? सर घर से डर लग रहे थे अभी कि बेइज्जती होगी, ये होगा, गाँव वाले आएंगे उसको कहेंगे। अब तक लगभग कितने बच्चों के साथ वो कर चुका है इस तरह गंदे हरकतें? सर हो गया है 10-15 लोग को हो गया है। तो जब आप पढ़ते थे तो आपके जितने सारे बच्चे आपके साथ पढ़, सबके साथ यही हरकतें करता था? हाँ करे थे। तो जब आप लोग विरोध करते थे तो नाम काटने की धमकी देता था? हाँ करे थे, भगा दूंगा स्कूल से। तो आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए थे तहरीर देने के लिए? हाँ। तहरीर दिए हो? हाँ। सीओ साहब ने पूछताछ किया है आप लोग से? हाँ किए किए। क्या पूछे? कहें कि क्या कर रहे थे, हम सब कहें कि वो एक गंदी हरकत करते हैं और बोलते हैं कि ये करोगे तो मैं करूँगा। तो आज आप किस? हमारे जो बड़े सर हैं वो हम सब के साथ बहुत गलत करते हैं। क्या नाम है सर? आफताब। क्या करते थे? वो हम सबको पकड़ कर एक हाथ से कान पकड़ कर छुआते थे। और आप लोग बोलते विरोध नहीं करते थे? डर लगता था, वो कहते थे भगा देंगे नाम काट कर तुम सबका। मारते पीटते भी थे? हाँ। कितने
कितने महीने से ये हरकत कर रहे हैं? 2-3 महीने से, 10 साल पहले भी ये बात हुई थी, पर प्रधान जी कहे कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, सब सर लोग भी किए। अच्छा, फिर ये पहले भी लोगों साथ कर चुके हैं? यस सर। तो फिर जब 2-3 महीने से आप लोगों साथ हो, तो घर पे नहीं बताते थे? नाम काट कर भगा देंगे इसीलिए ताव देते थे, इसीलिए घर पे भी नहीं। हाँ, सब लड़कों को इसी तरह कहते थे। कितने बच्चों के साथ किए होंगे? 10-15 लोग। 10-15 लोग आज सभी गांव वाले आए हैं उनके खिलाफ तहरीर देने? यस सर। क्या चाहते हैं आप? हम सब चाहते हैं कि उनको सजा हो। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि स्कूल के बच्चों के अभिभावकों ने सिधारी थाने पर शिकायत की थी कि कंपोजिट विद्यालय कटघर के शिक्षक आफताब द्वारा बच्चों के साथ अभद्रता की जाती है। इस प्रकरण में सीओ सिटी को जांच सौंपी गई। सीओ सिटी की जांच में आरोप सही पाए गए, इसके बाद सिधारी थाने में मुकदमा अपराध संख्या 282/23, धारा 354, 294, 504 और पास्को एक्ट के साथ ही SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही आरोपी शिक्षक को रिमांड हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। थाना सिधारी पर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स द्वारा शिकायत करी गई कि कंपोजिट विद्यालय कटघर के एक टीचर जिनका नाम आफताब अहमद है, उनके द्वारा स्टूडेंट्स के साथ अभद्रता की जाती है। इस प्रकरण में सीओ सिटी को जांच सौंपी गई, उनके द्वारा पुष्टि होने के उपरांत इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 282/23, धारा 354, 294, 504, पॉक्सो एक्ट व SC/ST एक्ट में कायम किया गया है। आफताब अहमद हिरासत में है व शीघ्र ही इसको रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को अपर आयुक्त प्रशासन के अवस्थी ने मंडलायुक्त कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा सामूहिक रूप से राष्ट्रगान किया। इस अवसर पर आयुक्त सभागार में आयोजित गांधी जयंती समारोह की अध्यक्षता करते हुए अपर आयुक्त ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री द्वारा देश के प्रति किए गए त्याग बलिदान के साथ ही इन दोनों महान विभूतियों की जिंदगी के कई प्रेरक पहलुओं पर प्रकाश डाला। अपर आयुक्त श्री अवस्थी ने कहा कि गांधी जी स्वयं में एक संस्था है जिन पर आज भी पूरी दुनिया में शोध हो रहा है तथा उनके आदर्शों, उसूलों, जीवन मूल्यों और संघर्षों को आत्मसात करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में हमारे देश को मुख्य रूप से महात्मा गांधी एवं महात्मा बुद्ध के देश के रूप में पहचाना जाता है। इसके बावजूद भी जो व्यक्ति गांधी जी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो स्पष्ट है कि उनके अंदर गांधी जी को समझ पाने की समझ नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम उसका बहुत बढ़िया प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां छुआछूत की, बाल विवाह की, सखी प्रथा की, महिलाओं के सम्मान की या ही। दूसरी तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने झंडारोहण किया। राष्ट्रगान के तत्पश्चात गांधी हाल में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह सहित कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती पर उनके जीवन संघर्ष, देश की सेवा एवं उनके जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि दोनों महापुरुष स्वतंत्रता संग्राम की मूल भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि गांधी जी को महात्मा का नाम सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था एवं गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अपने भाषण के दौरान बापू कहकर संबोधित किया था। जिलाधिकारी ने कहा कि हमें महात्मा गांधी जी के जीवन से सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम आज जिस भी पद पर कार्य कर रहे हैं,
उस पद के दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करें, जो कार्य हमें करने हैं उसको अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के स्वच्छता के सपने का अर्थ केवल भौतिक साफ सफाई की बात नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म तीनों से स्वच्छता, अहिंसा को जोड़ना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी। इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने जब सिंगापुर में भारत सरकार का वहां गठन किया और देश के नाम उन्होंने पहला रेडियो संदेश दिया, उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। यह उन महान विभूतियों की जो विराटता, उनके व्यक्तित्व, उसका भी परिचायक है जिसे आज हमें अपने सार्वजनिक और निजी जीवन में आत्मसात करना है। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक जो फलसफा था उससे सहमत नहीं थे, किंतु उस असहमति को उन्होंने एक दूसरे के प्रति जो उनका सम्मान था उससे नहीं जोड़ा और अपने जीवन में आत्मसात कर ले रहा है। विशेष रूप से महात्मा गांधी के स्वच्छता का, और स्वच्छता केवल भौतिक साफ सफाई की बात नहीं है, अपितु मन, वचन और कर्म तीनों की स्वच्छता, अहिंसा को जोड़ना है और जो उनका सत्याग्रह था। वहीं पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर प्रतिमा का माल्यार्पण कर सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण को कर्तव्य व निष्ठा की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा व प्रतिसाद निरीक्षक आजमगढ़ सहित विभिन्न शाखाओं के पुलिस कर्मी उपस्थित रहे। इसी क्रम में जनपद के समस्त कार्यालयों व थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर सभी पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई गई। सुहाने मौसम और रिमझिम फुहारों के बीच जनपद में गांधी शास्त्री जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसी क्रम में सोमवार को सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव व निदेशिका कंचन यादव द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के वृतांत को संक्षिप्त रूप में बताया व उनके अप्रतिम राजनेता व राजनीतिज्ञ होने का संस्मरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आधारित एक लघु फिल्म को भी दिखाया गया। वहीं CPS ग्रुप ऑफ स्कूल के स्टाफ एवं छात्रों द्वारा महात्मा गांधी जी की 154वीं जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की 119वीं की जयंती धूमधाम से मनाई गई। चेयरपर्सन तरन्नुम खानम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। विद्यालय की चेयरपर्सन तरन्नुम खानम एवं प्रधानाचार्य रेखा सिंह द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर दी प्रज्वलित किया गया। उपस्थित छात्र छात्राओं ने समस्त शिक्षकगण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रगान गाया गया। विद्यालय में उपस्थित छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर अनेक रंगारंग कार्यक्रम जैसे हिंदी एवं अंग्रेजी में भाषण, गीत आदि प्रस्तुत किए गए एवं शिक्षकों ने भी हिंदी एवं अंग्रेजी में इन महानायकों के संबंध में अपने विचार रखे तथा अपने गीतों के माध्यम से बापू जी को याद किया।
महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में भी समारोह पूर्वक मनाई गई। सर्वप्रथम ध्वजारोहण के साथ जयंती समारोह की शुरुआत की गई। तत्पश्चात विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिकाओं द्वारा राष्ट्रगान की प्रस्तुति हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य राम नयन मौर्य एवं उप प्रधानाचार्य सुरेंद्र नाथ यादव ने महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। विद्यालय के अध्यापक किशन यादव ने गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य, एक्टिविटी इंचार्ज धीरेंद्र मोहन, एक्टिविटी हेड शरद गुप्ता, किशन यादव, अजय यादव, रामचरण मौर्य आदि शिक्षक शिक्षिकाओं का योगदान रहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मां भारती के अमर सपूत लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर श्री कृष्ण पाल और लालगंज जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं संग रैदोपुर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी कपड़ों की खरीदारी किया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मां भारती के दोनों अमर सपूतों के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता कार्य भी किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, प्रेम प्रकाश राय, लक्ष्मण मौर्य, हरिवंश मिश्रा, पवन सिंह मुन्ना, अवनीश मिश्रा, सत्येंद्र राय, दिवाकर सिंह, संजय यादव, रविशंकर तिवारी, विनय प्रकाश गुप्ता, प्रवीण सिंह, पूनम सिंह, विवेक निषाद, मृगांक शेखर सिन्हा, वरुण राय, किशन सिंह, अवनीश चतुर्वेदी, अभिनव श्रीवास्तव, विशाल श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह, योगेंद्र यादव, बबीता जसरासरिया, निरुपमा पाठक, अजय मौर्य, पंकज सिंह, स्माइल फारूकी, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम के अंतर्गत आज रैदोपुर तिराहे पर स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने माल्यार्पण कर सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में आज उनको स्वच्छता की श्रद्धांजलि देने के लिए मलिन बस्ती एवं आसपास के मोहल्ले के गलियों में स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया गया। इसके माध्यम से लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। जिलाधिकारी ने सभी लोगों से अपील किया कि इस अभियान के साथ ही प्रतिदिन अपने आसपास की साफ सफाई करते रहें, जिससे आपके आसपास सफाई रहेगी तो आप भी स्वच्छ रहेंगे। इसी के साथ ही सांसद दिनेश लाल यादव एवं जिलाधिकारी द्वारा रैदोपुर मलिन बस्ती एवं आसपास के मोहल्ले की गलियों में अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। इस अभियान में जनपद स्तरीय अधिकारियों कर्मचारियों व आसपास के लोगों तथा विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा सहयोग कर अभियान को सफल बनाया गया। इस अवसर पर सांसद एवं जिलाधिकारी द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। साथ ही अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा द्वारा कलेक्ट्रेट के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर की सफाई की गई। जिला सूचना अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ जिला सूचना कार्यालय की सफाई की गई। कल जयंती है, उसके अवसर पर आज उनको स्वच्छता की श्रद्धांजलि हम लोगों ने 1 घंटा ऐसे क्षेत्र में जो कि जहाँ निर्बल लोग रहते हैं वहाँ पर स्वच्छता का अभियान चलाकर साफ सफाई का महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी है और इसके माध्यम से लोगों में साफ सफाई पॉलिथीन इत्यादि ना फेंकें इसके संबंध में जागरूक किया है। सोमवार को वेदांता ग्रुप वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं धरती के लाल लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें भाषण व स्किट प्रदर्शन के माध्यम से सत्य, अहिंसा और शांति पर आधारित उनके सिद्धांतों के बारे में जानकारी साझा की गई। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए राजनीतिक विचारधारा दी और संघर्ष किया, वहीं उन्होंने धर्म और नीति और आर्थिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करते हुए अपने सपनों के भारत का मार्ग प्रशस्त किया। गांधी जी एक व्यक्ति नहीं, वे एक दर्शन और विचारधारा है।
दिल्ली में वाल्मीकि बस्ती में रहकर अस्पृश्यता निवारण के लिए उन्होंने देश को संदेश दिया था। देश को स्वच्छ बनाने की सोच सर्वप्रथम गांधी जी की रही थी। उन्होंने देश को नया विचार दिया कि सत्य ही ईश्वर है। उससे पहले ये कहा जाता था कि ईश्वर ही सत्य है। उनका कहना था, जब तक हम ये कहते हैं ईश्वर ही सत्य है, तब तक हमको करने को कुछ नहीं रह जाता, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, तब हम सत्य का पालन करने में पूरा जीवन लगा देने को संकल्पित होते हैं। नवराष्ट्र निर्माण के लिए हम सभी को उनके बताए हुए सिद्धांतों को अपनाना होगा। इस अवसर पर वेदांता ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर शिशिर जायसवाल, डायरेक्टर विशाल जायसवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतिक जसवाल, आलोक जायसवाल, संस्था की प्रधानाध्यापिका रीना पांडे, समस्त शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। इन्हीं के पथ पे चल के आज हम लोग इस खुली सांस आसमान में सांस ले रहे हैं, और हम लोग उन्हीं के बताए हुए पथ पे, जिस तरह उन्होंने एक आह्वान किया था कि हमेशा जो है हिंसा पे अहिंसा से विजय प्राप्त कीजिए, और हमेशा जो है अहिंसा के मार्ग को जो है फॉलो करके और हम जीवन में अपने आगे बढ़ें। आज उसी के उपलक्ष्य में हमारे चेयरमैन डॉक्टर शिशि जायसवाल जी द्वारा उनको माल्यार्पण करके उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि उनको दी गई, और हमारे बच्चों के द्वारा जो है एक नाट्य के रूप में जो है एक उनके जो भी उनके क्रियाकलाप थे उनको प्रदर्शित करके लोगों को बताया गया कि हमारे राष्ट्रपिता कैसे। हमेशा जो है जो गांधी जी का मुख्य उद्देश्य रहा है कि हमेशा जो है हमें अहिंसा के पथ पे चलना है, हिंसा से किसी भी चीज का कोई सलूशन नहीं है। सोमवार को अनुदेशक शिक्षक संघ आजमगढ़ ने जिला अध्यक्ष गणेश यादव के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा रैदोपुर आजमगढ़ में क्रमिक अनशन प्रदेश में संचालित होने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 30,000 शिक्षा अनुदेशकों ने प्रदेश सरकार की नीतियों से त्रस्त होकर लगातार 10 वर्षों से अपने हक और अधिकार की मांग करते चले आ रहे हैं, जबकि मार्च 2017 में ही अनुदेशक शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मानदेय 17,000 देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा पास हुआ तथा उसका बजट भी जारी हुआ, लेकिन प्रदेश सरकार ने अपनी हिटलर शाही व तानाशाही के बल पर अनुदेशक शिक्षकों का हक और अधिकार नहीं दिया। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ तथा प्रयागराज की दोनों बेंच ने यह निर्णय दिया कि अनुदेशक शिक्षकों को मार्च 2017 से अब तक का मानदेय 17,000 की दर से 9% ब्याज सहित भुगतान किया जाए। इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। लगातार 10 वर्षों तक सरकार की प्रताड़ना से आहत होकर समस्त अनुदेशकों ने यह निर्णय लिया कि 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार से महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वहीं पर क्रमिक अनशन प्रारंभ किया जाएगा, जो प्रत्येक रविवार को होगा। अगर 2 से 3 महीने के अंदर अनुदेशक शिक्षकों का हक व अधिकार नहीं मिलता है तो समस्त अनुदेशक पूरे प्रदेश में पदयात्रा के माध्यम से लखनऊ व दिल्ली पहुंचकर धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। मैं चाहता हूं जो हमारी बात को सरकार तक पहुंचाए, और इसी क्रम में आज गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग एक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। हर रविवार को ये आपका ऑपरेशन चलता रहेगा। आप लोगों के माध्यम से हम सरकार तक आवाज़ अपनी पहुंचाना चाहते हैं, और हम अनुदेशकों की बातों को जो जब से हमारी नियुक्ति हुई आज तक हम समस्याओं से ही घिरे रहे, और समस्या हमारी बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे इस पर आज अपनी समस्याओं को लेकर अनुदेशक आत्महत्या करने को भी मजबूर हैं, और हमारा समय से न मानदेय मिलना, और सरकार द्वारा हमारा बार बार हाईकोर्ट के निर्णय को भी चैलेंज देना, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक सरकार हम लोगों को ले गई है, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं लड़ने के लिए, और लड़ाई हमारी जारी भी है। और अनुदेशकों की जब तक सरकार समस्याओं का समाधान नहीं करती है, ऐसे ही हमारा क्रमिक अनशन और लगातार पद यात्रा के भी बारे में हम लोग आगे ने सोचा है कि नहीं कि आजमगढ़ से चलकर हम लोग लखनऊ चलेंगे, और 3 महीने तक ये कंटिन्यू हमारा संडे टू संडे हमारा क्रमिक अनशन ये चलता रहेगा। हम यहाँ के सांसद, विधायक और डीएम को हम अपनी विज्ञप्ति की जानकारी देते रहेंगे कि हमारे समस्याओं का निदान किया जाए।
क्या मुख्य मांगे पूर्ण किया? मुख्य मांगे तो समस्याएं बहुत है हमारी। एक तो समय से मानदेय न मिलना, और बहुत कम मानदेय में इस समय हमारा घर परिवार नहीं चल सकता है। और जो भी मानदेय मिलता है, समय समय पर हमारा मानदेय अगर मिलता रहे तो वो भी कुछ समस्याएं उससे हम अपना कम कर सकते हैं। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मानदेय जो हमारा 17,000 हुआ है और 2017 से बढ़ा हुआ 9% ब्याज के साथ हमारा भुगतान सरकार करे, तो जाकर हमारी कुछ समस्याएं कम हो सकती हैं और सरकार का हम समर्थन करेंगे। और नहीं तो हम इसका हमेशा इनके खिलाफ अत्याचार विरोध जो भी हो रहा है हम करते रहेंगे, समय समय पर अपनी बात को उठाते रहेंगे, सरकार को कोसते रहेंगे और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भी हम उनका वो प्रचार प्रसार के विरुद्ध में ही अपना वो हम करेंगे। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़, सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइंड कंपोजिट साइंस लैब, फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी, एज पर CBSE स्टैंडर्ड्स, आउटडोर एंड इंडोर प्ले फैसिलिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup, section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvoday Mahila PG College, Gorakh, Harbanshpur, Azamgarh. Pravesh Praram, Satra 2023-2024. Snatak Kala Sankai, Hindi, Sanskrit, Angrezi, Bhugol, Siksha Shast, Mano Vigyan, Samaj Shast, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास, स्नातक विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्नातकोत्तर कला संकाय, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC DLED में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें।